हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीषा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आल विल बी फाइन। गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो सैम्पल पेपर 5 का सेक्शन बी जो है शुरू कर दिया था, हमारा फोर्थ ऑप्शन था, थर्ड एंड फोर्थ हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि फोर्थ जो है चॉइस दे रखी है या फिर तो यू वेदर यू कैन डू जॉब एप्लीकेशन और यू कैन अटेंड रिपोर्ट। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन हमने कल कंप्लीट किया था, आज मैं रिपोर्ट कराऊंगी। हालांकि आपके जो सैम्पल पेपर में जो सॉल्यूशन है उसमें नहीं दिया हुआ है, रिपोर्ट सॉल्यूशन इज नॉट गिवन इन अ सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, सो आई एम मेकिंग यू एक्सप्लेन। हमारा जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है, जैसे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपको या फिर तो सेलेक्ट अ हेडिंग फ्रॉम गिविन टॉपिक, देन वाई लाइन, देन यू हैव टू यूज डब्ल्यू एच वर्ड्स एज वाई, वेयर एंड हाउ। यानी कि सबसे पहले आपको टॉपिक में से गिविन हेडलाइन यूज कर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको वाई लाइन किसके द्वारा लिखा जा रहा है और आफ्टर देन कब कहाँ कैसे किसने, ये सारी चीज़ हमें लिखनी है। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट फटाफट से लीजिएगा, हम शुरू करेंगे रिपोर्ट लिखना। आप इसमें जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, मैं दोनों ही करा रही हूँ। कल मैंने जॉब एप्लीकेशन करवा दिया था आपको, आज हम कराएंगे रिपोर्ट। तो आई होप कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देखिए क्या दे रखा है, यू आर मैरिना या क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है हेडलाइन। आप वीक लॉन्ग आर्ट्स जो कल्चरल फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया गया आपके स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ वीक, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा लॉन्ग आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम। ठीक है, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल, उसके बाद क्या हो जाएगा, किसके द्वारा करा गया है, वाई मैरिना के द्वारा, किसके द्वारा, मैरिना, वो कौन है, मैरिना कल्चरल सोसाइटी, कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है। ठीक है, कल्चरल सेक्रेटरी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए आ वीक लॉन्ग एगो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो किसने किया था, डीवी, आपके स्कूल का नेम दे रखा है डीवी सीनियर, डीवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलिब्रेटेड अ वीक लॉन्ग आर्ट कल्चरल फेस्टिवल, और कब किया गया है वो हम लिखेंगे, ऑन 22 मार्च, ठीक है, 2022 एट कितने बजे से करा था, 9 AM टू 1 AM से था। ठीक है, 1 AM, उसके बाद हमारा आ जाएगा 1 PM, सॉरी, गुलवीर सिंह गेव हिज प्रेजेंस टू ग्रेस द फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट, दिस प्रोग्राम वॉज देखिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, भी आगे भी लिखा जाएगा, डीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलिब्रेटेड अ वीक लॉन्ग आर्ट कल्चरल फेस्टिवल, सेलिब्रेट किया गया 22 मार्च को। ठीक है, 9 AM से 1 PM तक गुलबीर सिंह गेव हिज प्रेजेंस टू ग्रेस द फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट होकर जो गुलबीर सिंह थे उन्होंने शोभा बढ़ाने के लिए अपनी प्रेजेंस दी। दिस प्रोग्राम बहुत सीरियसली अ इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल मोमेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, ये जो प्रोग्राम था सच में ये जो बच्चों के लिए मेमोरेबल एंड इंटरेस्टिंग था। ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत था। तो देखिए इस तरीके से हमें जल्दी से शॉर्ट ले लीजिएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट लिखना क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमें 120 to 150 वर्ड्स में देना है, तो नेक्स्ट देंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू रफ इट रफ करने जा रही हूँ, आई होप स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन दिस प्रोग्राम मैनी बिग एंड रेपुटेड लीडर्स केम टू एनकरेज एंड
entertain students. This program was started by lighting the candle by the hand of Gulveer Singh CM of Gujarat. ठीक है, children showed their performances our principal sir thanked all leaders for giving their prestigious time. Thus the program was ended. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है. इन दिस प्रोग्राम मैनी बिग एंड रेपुटेड लीडर्स केम. इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़े और रेपुटेड लीडर्स आए टू एनकरेज एंड एंटरटेन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए और एंटरटेन देम. दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टिंग बाय लिटिंग द कैंडल. ये जो प्रोग्राम था वो कैंडल जला के इसको शुरू किया गया गुलबीर सिंह जो सीएम थे उनके द्वारा. चिल्ड्रन शोड दियर परफॉर्मेंस, बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई. आर प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल लीडर्स, सारे हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने लीडर्स को थैंक यू बोला फॉर गिविंग दियर प्रेस्टिजियस टाइम, अपना कीमती टाइम देने के लिए. इस प्रकार जो फंक्शन था वो एंड हुआ. योर सिंसियरली मेलिना कल्चरल सेक्रेटरी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा, उस तरीके से हम लिखते रहेंगे.